हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर गोवा की दो बीच बहुत वायरल हो रही हैं। आज इस वीडियो में हम वो दोनों बीच कवर करेंगे जिसका नाम है बैतूल बीच और मोबोर बीच। तो चलिए फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे बीच पर। फ्रेंड्स, बैतूल बीच साउथ गोवा में है। अगर आप इसकी लोकेशन को गूगल में सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा। वास्को द गामा रेलवे स्टेशन से बैतूल बीच लगभग 42 किलोमीटर है। दाबोलीम एयरपोर्ट से बैतूल बीच लगभग 39 किलोमीटर है। मड़गांव रेलवे स्टेशन से बैतूल बीच लगभग 17 किलोमीटर है और पंजीम बस स्टैंड से बैतूल बीच लगभग 48 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, हम इस रोड से आए हैं और ये रोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है और इसी की साइड में है पार्किंग। आप यहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है और इसी के साथ में इस गेट के अंदर से है बीच का रास्ता। तो चलिए बीच पर चलते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको ऐसा रास्ता दिखाई देगा जो आपको बीच की तरफ ले जाएगा। वहाँ पर ये वाला बोर्ड भी लगा हुआ है, आप इस बोर्ड को फॉलो कीजिए और सिर्फ 5 मिनट में आप बीच के ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बैतूल बीच का शानदार नज़ारा। फ्रेंड्स, ये बीच इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बीच का वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम पहले बीच की लेफ्ट साइड में चलेंगे और देखेंगे आगे कैसा व्यू है। फ्रेंड्स, आज बीच का पानी काफ़ी नीचे तक उतरा हुआ है, नहीं तो ये पानी काफ़ी ऊपर तक रहता है। ये बीच बहुत ही सुंदर है और इसका पानी भी बहुत साफ है और इसकी रेत ऑफ वाइट कलर की है जो कि बहुत ही मुलायम है। जब आप इसके ऊपर चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये बीच बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरी है, लेकिन इस बीच के ऊपर ज़्यादा क्राउड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई शैक नहीं है, खाने पीने का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर लोग कम आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बीच के लेफ्ट साइड के बिल्कुल एंड तक आ गए हैं और यहाँ पर आकर बीच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं वापस बीच के सेंटर पॉइंट में आ गया हूँ। आज मौसम बहुत बढ़िया है, ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन फिर भी बीच के ऊपर क्राउड बहुत कम है। मुश्किल से एक दो फैमिलीज और एक दो कपल ही बीच पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच के ऊपर ज़्यादा क्राउड नहीं होता, सिर्फ सैटरडे संडे को आपको कुछ लोग यहाँ पर दिखेंगे, अदरवाइज इस बीच के ऊपर बहुत कम क्राउड होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ। बैतूल बीच और मोबोर बीच दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, मेरे इस तरफ है बैतूल बीच और बिल्कुल मेरे राइट साइड में है मोबोर बीच। अब मैं इन दोनों बीच के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में खड़ा हूँ। अब मैं मोबोर बीच पर जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा क्राउड होता है, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी होता है और वहाँ पर शैक भी हैं। और मोबोर बीच भी इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत वायरल हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम मोबोर बीच के ऊपर पहुंच भी गए। बैतूल बीच से मोबोर बीच तक पैदल चलकर आने में मेरे को लगे 25 मिनट। आपको बाई रोड आने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच के ऊपर पैदल चलकर आ सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और आप बीच का शानदार व्यू भी देख लेंगे। अगर आप बाई रोड आएंगे तो आपको इस रोड के ऊपर से आना पड़ेगा और यही रोड आपको बिल्कुल बीच के ऊपर तक ले जाएगी। ये देखिए, सामने बीच है। आप इसी रोड के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं
और बिल्कुल बीच के नज़दीक जाकर टू व्हीलर पार्किंग भी है, आप वहाँ पर भी अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है और यहीं पर ही राइट साइड में एक पेड टॉयलेट है, आप समुंदर में नहाने के बाद, वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद वहाँ पर जाकर दोबारा नहा सकते हैं और अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मोबोर बीच का शानदार नज़ारा। जब हम बीच के ऊपर एंटर होते हैं तो सामने ही हमारे को वाटर स्पोर्ट्स जोन दिखाई देता है, वहीं पर ही वाटर स्पोर्ट्स का काउंटर है, आप वहां से वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और राइट साइड में आपको दिखेंगे शैक, फ्रेंड्स आप यहां पर सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, जैसे जेट स्की, पैरासेलिंग, बम्पर राइड, बनाना राइड और स्पीड बोर्ड राइड। उसकी रेट लिस्ट स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जब वाटर स्पोर्ट्स कराया जाता है उसके राउंड बहुत लंबे होते हैं, कंपैरिजन जो नॉर्थ की बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स कराया जाता है उनके मुकाबले, क्योंकि नॉर्थ की बीचेस पे रेट थोड़ा कम होता है, इसलिए वो छोटे छोटे राउंड कराकर आपको जल्दी फ्री कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जेट स्की, पैरासेलिंग, बम्पर राइड, बनाना राइड और स्पीड बोट राइड, इन सब के राउंड बहुत लंबे हैं। अगर आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स ये बीच बहुत सुंदर है और बहुत ही साफ सुथरी है, यहाँ का पानी भी बहुत साफ है और यहाँ की रेत वाइट कलर की है। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। यह बीच फॉरेनर टूरिस्ट की फेवरेट बीचेस में से एक है, यहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट के साथ साथ इंडियन टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। अभी दोपहर का टाइम है इस वजह से बीच के ऊपर क्राउड थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे शाम होएगी बीच के ऊपर क्राउड और माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस बीच से राइट साइड में लगभग आधा घंटा चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक कैवलोसिम बीच के ऊपर पहुंच जाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कैवलोसिम बीच की पूरी डिटेल दी है, अगर आप कैवलोसिम बीच देखना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इस बीच के ऊपर बहुत ही सुंदर शैक भी हैं, आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज, सी फूड और रशियन फूड भी मिल जाएगा, और ड्रिंक में आपको सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जूस और शेक भी मिल जाएंगे। और अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट होता है, आप समुंदर किनारे बैठ के कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय कर सकते हैं, और सभी शैक में डीजे भी चालू रहता है, इसलिए अगर आप थोड़ी कम क्राउड वाली जगह में पार्टी करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ साइलेंट जगह में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बीच आपके लिए परफेक्ट है।
फ्रेंड्स, अब शाम के 4 बज गए हैं और बीच के ऊपर थोड़ा क्राउड बढ़ने लगा है। मौसम बहुत ही सुहाना है क्योंकि आज धूप थोड़ा कम है, इस वजह से बीच का व्यू बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। अब शाम के 5 बज गए हैं, देखिए सूरज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आप एक बार सोच के देखिए, ये सूरज वीडियो में ही इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, जब आप इसे यहाँ पर आकर अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको कितना अच्छा फील होएगा। इसलिए आप जब भी अपनी फैमिली के साथ गोवा आते हैं तो बीच के ऊपर आकर सनसेट ज़रूर देखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सनसेट हो रहा है, आसमान में पूरी लाली छाई हुई है, व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब सनसेट हो चुका है, 10 मिनट के अंदर पूरा अंधेरा हो जाएगा। सभी शेक वालों ने कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप समुंदर किनारे बैठकर कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस बीच के ऊपर ज़रूर आइए, यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत कम रहता है और बीच बहुत सुंदर है। इस बीच पर आपको सैटरडे संडे को ही थोड़ा क्राउड दिखाई देगा, अदरवाइज वीकडेज में इस बीच के ऊपर बहुत कम क्राउड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको गोवा की बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो देखने को मिलेंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप गोवा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।